अनावरण या खोलने की स्थापना करने की जो है वो कहाँ पे होने वाली है? उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र में, अन्य कौन से राज्य में? हमारे स्वच्छ भारत विश्वविद्यालय का स्थापना होने वाली है। कमेंट करके बताइए अपने आंसर्स को। टैब खुले हुए इसकी वजह से आई थिंक नहीं है अभी। ठीक है, आवाज देखिए, अभी आवाज सबको क्लियर आ रही है? अब देखिए सबको आवाज क्लियर आ रही है? अब सही है, चलिए वेरी गुड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। पहला क्वेश्चन आज का आपको बताना है, स्वच्छ भारत वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का हमारा जो है उद्घाटन या फिर ओपनिंग कहां पे होनी है? उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में, केरला में या महाराष्ट्र में? पता नहीं क्या था, टैब खुला था मुझे लग रहा, उसकी वजह से ऑडियो में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था आई थिंक। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। देखते ए उत्तर प्रदेश बता रहे बच्चे, और कोई बच्चे? सब बच्चे यूपी की तरफ चले गए पूरी। गलत आंसर है। चलिए अगला बताइए ऑप्शन। पहले क्वेश्चन में सब बच्चे फ्लैट हो गए। नहीं, ए नहीं है, ए नहीं है, ए रॉन्ग आंसर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो वर्धा डिस्ट्रिक्ट है, वर्धा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष में हमारी भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान किया गया है, याद रखिएगा। केरला भी नहीं है, केरला भी नहीं है, महाराष्ट्र में वर्धा में जो गांधी जी का आश्रम है वहीं पे हमारी स्वच्छ भारत वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खोलने की बात हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं है मुझे लग रहा, मैक्सिमम बच्चे गलत कर रहे हैं इसको, है ना? अंजलि, नीलम, अभिषेक सबने गलत किया है। ठीक है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स है। चलिए विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसेस 2020 एज ए आर्टिफिशियल ईयर, आपको बताना है कौन से राज्य की सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर के रूप में मनाने की घोषणा करी है? तेलंगाना की सरकार ने, कर्नाटका की सरकार ने, केरला की सरकार ने या फिर तमिलनाडु की सरकार ने? इनमें से किस राज्य की सरकार ने इसको मनाने की घोषणा करी है बताइए। देखते कितने लोग सही बता रहे हैं इसको। अंजलि कह रही है केरला, और कोई बच्चा? और कोई बच्चा?
जनता भीड़ में तो नहीं चली जा रही है केरला के साथ कहीं? तेलंगाना, नीलम कह रही तेलंगाना। चलिए तेलंगाना इज द राइट आंसर, तेलंगाना हमारा सही आंसर है। तेलंगाना की सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर के रूप में मनाने की घोषणा करी है ना। केरला नहीं होगा अंजलि, है ना, तेलंगाना इज द राइट आंसर। चलिए, रॉबर्टो एस्वेडोज रिजाइन्स फ्रॉम हिज पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल इन मई 2020 विच बिलोंग्स टू। आपको बताना, रॉबर्टो एस्वेडोज ने हाल ही में मई 2020 में महानिर्देशक के अपने पद से इस्तीफा दिया है। वह किस संगठन से संबंधित थे आपको बताना है? IMF से, विश्व बैंक से, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन से, या फिर यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल से? इनमें से किससे रॉबर्टो एस्वेडोज जो है हमारे संबंधित थे बताइए? कौन से, थर्ड का बता रहे हैं? क्वेश्चन के आगे लिख दिया कीजिए, थर्ड का बी, थर्ड का सी या फोर्थ का ए, ऐसा लिख दिया कीजिए तो मुझे कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ना कोई एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि न्यूज में हमारा पिछले 6-7 महीने से काफी बना हुआ था ये इवेंट, जिसकी वजह से इन्होंने रिजाइन देना पड़ा इनको। इसका सही आंसर है WTO। सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया है, विश्व व्यापार संगठन WTO ने, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके ये अध्यक्ष थे। ये ब्राजील से आते हैं और ये इनका दूसरा कार्यकाल था, ये इनका सेकंड टर्म था। और इन्होंने रिजाइन क्यों किया था, आपने सुना होगा US और चाइना के बीच ट्रेड वॉर हुआ था। ये दोनों देश क्या करते थे, एक दूसरे के मार्केट को खराब करने के लिए सस्ते दामों पर या हाई टैरिफ लगा देते थे, ताकि जो है ट्रेड जो हो इन दोनों के बीच का डिस्टर्ब हो रखे। और WTO ने कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिया था इस तरह के ट्रेड वॉर को हमारा रोकने के लिए, जिसकी वजह से इन पे इल्जाम लगे थे कि इन्होंने चाइना के लिए पक्षपात किया है। और यूएस के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस तरह के इल्जाम लगाए थे, और जिसके एवज में इन्होंने रिजाइन कर दिया था पोस्ट से WTO के। ठीक है, तो पूरा बैकग्राउंड को याद रखिएगा, एग्जाम में आने की इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। चलिए, विच इंडियन एक्ट्रेस कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 2022 एज ए गुडविल एम्बेसडर ऑफ UNEP। आपको बताना है किस भारतीय एक्ट्रेस का अनुबंध 2022 तक बढ़ा दिया गया है, जो कि UNEP के गुडविल राजदूत के रूप में नियुक्त की जाएंगी? ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, अमीषा पटेल या फिर दिया मिर्जा, इनमें से कौन को हमारा जो है गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया जाएगा बताइए? फोर्थ का भी रत्नेश कह रहे हैं, अंजलि कह रही है दिया मिर्जा, अंकिता कह रही है भी डी। और कोई बच्चे, चलिए इसका सही आंसर है दिया मिर्जा। दिया मिर्जा हमारे एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी है, पर्यावरण प्रेमी भी है, और इन्होंने इन्वायरमेंट के लिए काफी ज्यादा एक्शन भी लिया है। ठीक है, इसका सही आंसर है दिया मिर्जा। करेंटली ये अभी भी हमारी जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP की करंट एम्बेसडर भी हैं। ठीक है, करंट एम्बेसडर भी है, लास्ट ईयर ये चुनी गई थी, और इनका अभी कार्यकाल जो है हमारा 2022 तक का बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब ये 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है इनका। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। Who won the ICC Best Test Player for 2019 Award? आपको बताना ICC के Best Test Player का Award जो है इनमें से किसको मिला? विराट कोहली को, स्टीवन स्मिथ को, पैट कमिंस को, या फिर मिचेल स्टार्क को? आपको बताना है ICC का Best Test Player का Award इनमें से किसको मिला है बताइए? ए विराट कोहली, पांचवे का ए, विराट कोहली इज द रॉन्ग आंसर। पिछले साल तो विराट कोहली ने 2019 में टेस्ट मैच में परफॉर्म ही नहीं किया अच्छा। रत्नेश एन अर्जुन, बी ए आंसर तो गलत हो गया हमारा विराट कोहली। और बताइए, और कोई बच्चा,
कोई बच्चा सही आंसर नहीं दे पा रहा है इसका। स्टीवन स्मिथ भी नहीं है। अब बताइए इसका सही आंसर है पैट कमिंस। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर जो है, ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर पैट कमिंस को जो है आईसीसी द्वारा जो है 2019 का बेस्ट टेस्ट प्लेयर के रूप में चुना गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नीलम अर्जुन, अंजलि है ना, रत्नेश, पैट कमिंस है। ठीक है, अवार्ड्स के क्वेश्चन को याद रखिए, अवार्ड्स के क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में हमारे आते भी हैं। ठीक है, और 2020 में आपने देखा ये ज्यादा इवेंट्स हुए नहीं, आईपीएल के अलावा कोई भी हमारा ग्लोबल इवेंट हुआ नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी है कि लोग 2019 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, टेस्ट मैच आपने देखा ही होगा, कोई देशों ने खेला ही नहीं ज्यादा मैचों ने। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आएगा। विच बटरफ्लाई हैज बिकम द लार्जेस्ट बटरफ्लाई इन इंडिया। हाल ही में कौन सी तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है? पेरिस रेपे, साउथर्न बर्ड विंग, गोल्डन बर्ड विंग, या फिर नेप्थलिस एंटिपुला, इनमें से कौन सी तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब हाल ही में दिया गया है? अर्जुन जी, बीओ का जो बैच है हमारा, ये इसमें ज्योग्राफी के क्लास चल रहा है, यहां पर हमारा बीओ का क्लास चल रहा है। नहीं, रैंकिंग की बात अलग है अंजलि, हम लोगों ने क्वेश्चन क्या पूछा था, बेस्ट टेस्ट प्लेयर की बात हुई थी। रैंकिंग इज डिफरेंट थिंग और प्लेयर अलग होता है, ये आईसीसी जो अवार्ड होता है, आईसीसी का जो एनुअल इवेंट होता है उसमें दिया जाता है ये। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। अच्छा नीलम, आप ही की आईडी है ना वर्ल्ड वर्ल्ड लाइट पावर, नीलम आप ही की है ना आईडी? अर्जुन देखिए टाइमिंग बता देता हूं अभी, ये क्वेश्चन का आंसर मार्क कीजिए आप लोग। ये वाला बैच जो है आरओ आरओ बीओ का मेंस का चल रहा है, इसमें आपका जो है ज्योग्राफी जो है धनंजय सर करा रहे हैं, टाइमिंग एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा इस बैच में एनरोल हो करके, है ना। जहां तक इसमें जो टाइमिंग है 4:15 बजे की है टाइमिंग, शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 4:15 की टाइमिंग है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, धनंजय सर ज्योग्राफी करा रहे हैं इसमें। ठीक है अर्जुन, और या तो आप वीकेंड बैच में आप कर सकते हैं, वीकेंड बैच में यूपी पीसीएस का फाउंडेशन बैच के लिए आप इस बैच में हिमांशु सर की क्लासेस कर सकते हैं, इसमें मैं एनवायरमेंट आपको पढ़ा रहा हूं, वीकेंड बैच है ये। अच्छा रोशन आपकी आईडी है ये। अच्छा नीलम भी एक आती है ना, उन्होंने भी यही इमेज लगा रखी सेम एज इट इज, तो मुझे लगा नीलम है। ओके रोशन आपकी आईडी है, चलिए ठीक है। इन दोनों बैचेस में आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। हाँ इसका आंसर बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस पूरे हैं। इसका सही आंसर है हमारा कन्वर, क्लास मेरा वाला तो रात में 8 बजे चलता है ना, मेरा वाला सैटरडे और संडे को रात में 8 से 11 चलता है, रात में 8 बजे से रात 11 बजे तक 3 घंटे का मैराथन क्लास होता है एनवायरमेंट का। नहीं, वीकेंड बैच है ये, वीकेंड बैच है, देखिए ना, ये सैटरडेज और संडेज को चलता है, सिर्फ शनिवार और इतवार को। ठीक है, और अब की बार 14 तारीख को जो शनिवार पड़ रहा है उस दिन जो है सुबह 8 बजे, सुबह 8 से 11 चलेगा, क्योंकि शाम को दीपावली है, उस दिन दीपावली है इसलिए सुबह के टाइम क्लास कर लेंगे शाम को, ताकि आतिशबाजी करी जाए। ठीक है, गुड आफ्टरनून दीपा, कैसे हो आप? हाँ इसका सही आंसर है हमारा गोल्डन बर्ड विंग, वेरी गुड, इसका सही आंसर है गोल्डन बर्ड विंग। इससे पहले हमारी कौन सी थी, कोई बता सकता है? हाँ यूट्यूब का ये टाइम डेली का है कन्वर, 2 बजे का टाइम डेली का है, ये डेली का करंट अफेयर्स का हाफ एन आवर का सेशन रहता है 2 बजे से 2:30 बजे तक का। ठीक है, चलिए
इससे पहले कौन सी कोई बर्ड थी कोई बता सकता है? इससे पहले हमारी थी साउथर्न बर्ड विंग, ये जो थी 1938 में, इसको 1938 में भारत की सबसे लंबी तितली का खिताब मिला था। इसका जो बर्ड का जो विंग का स्पैन था, देखिए कोई भी तितली कितनी बड़ी होती है वो उसके जो विंग का आकार होता है उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए ये कोई तितली है हमारी, तो इसका जो खुलने के बाद पूरा स्पैन आता है ये इसकी इसके जो लंबाई या चौड़ाई जो भी है वो दर्शाता है कि कितनी बड़ी तितली है। तो जो हमारी साउथर्न बर्ड विंग थी इसका जो विंग स्पैन था 192 मिलीमीटर था। और हाल ही में हमारी गोल्डन बर्ड विंग जिसको 2020 में भारत की सबसे बड़ी तितली होने का खिताब मिला है, इसका जो बर्ड जो विंग स्पैन है वो 198 mm है, ठीक है, इससे 6 mm ज्यादा, ठीक है। तो इससे याद रखिएगा, हमेशा याद हो जाएगा आपको गोल्डन बर्ड विंग के बारे में, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबको क्लियर है ना। चलिए, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एंड एशियाज लार्जेस्ट डेटा सेंटर योटा NM1 डेटा सेंटर ऑफ योटा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हीरा नंदानी ग्रुप इज लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी। आपको बताना है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर हीरा नंदानी ग्रुप का योटा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका पहला ऑप्शन है हमारा दिल्ली, दूसरा कर्नाटका, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा तेलंगाना। देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं। एक हिंट देता हूं आप लोगों को, इस नाम से आप पहचान के समझ सकते होंगे कौन से शहर में ये ग्रुप सक्रिय है। ये जो ग्रुप है हमारा एक पर्टिकुलर राज्य में या फिर एक स्टेट शहर में हमारा स्थित है। एक हॉस्पिटल भी बहुत ही फेमस है वहां पर। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड रोशन, वेरी गुड रत्नेश। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। महाराष्ट्र में मुंबई में हमारा पनवेल डिस्ट्रिक्ट में, पनवेल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है महाराष्ट्र में हमारा मुंबई में, वहां पर हमारा ये बनाया जा रहा है हीरा नंदानी ग्रुप द्वारा, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, विच टू कंट्रीज वर वेरीफाइड टू एलिमिनेट बोथ मीजल्स एंड रूबेला मेकिंग देम द फर्स्ट टू कंट्री इन द वर्ल्ड इन WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन टू अचीव बियॉन्ड देयर 2023 टारगेट। आपको बताना है कौन से दो देश भारत कौन से दो देश को WTO ने 2023 से पहले मीजल और रूबेला यानी कि खसरा और रूबेला बीमारी को समाप्त करने के लिए उसको सर्टिफाई कर दिया कि उनके देश से हमारी ये बीमारी खत्म हो गई है, ठीक है। पहला हमारा है मालदीव और थाईलैंड, दूसरा है थाईलैंड इंडिया, तीसरा है इंडिया श्रीलंका या चौथा मालदीव श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 8 है रत्नेश, 8 का डी, रत्नेश कह रहे 8 का डी। हाँ, वेरी गुड कन्वर, वेरी गुड। मालदीव एंड श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर। मालदीव और श्रीलंका ने अभी 2020 में ही इसको समाप्त कर दिया अपने देश से। वेरी गुड अंजलि, ठीक है, वेरी गुड रत्नेश, कन्वर, रोशन, अंजलि, वेरी गुड। चलिए, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री टू फेज आउट ऑफ बोथ कोल एंड न्यूक्लियर एनर्जी। आपको बताना है दुनिया का कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा का दोनों को बाहर करने वाला या हटाने के लिए बाध्य होने के लिए कानून बनाने वाला देश कौन सा बन गया है, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी या USA। हमारा कोयला और न्यूक्लियर है ना, परमाणु और कोयला ऊर्जा दोनों को समाप्त फेज आउट करने के लिए कौन से देश ने पुकारा है। कन्वर कह रहे हैं जर्मनी, और कोई बच्चा, और कोई बच्चा इसका आंसर दे रहा है। दीपा कह रही है, दीपा भी है जर्मनी। चलिए, जर्मनी इसका सही आंसर है। इन्होंने 1948 तक का लक्ष्य रखा है, सॉरी 1900 कह रहा हूं 2048 तक का लक्ष्य रखा है कि हम लोग फेज्ड मैनर में धीरे धीरे कर करके, फ्रांस नहीं होगा रत्नेश, धीरे धीरे कर करे अपने देश से जो थर्मल प्लांट्स हैं, जैसे हमारे यहाँ भारत में NTPC है, तो NTPC क्या है, हमारा थर्मल प्लांट है जो कि कोयले से हमारा क्या बिजली पैदा करता है। इसी तरह आपने बार्क का पढ़ा होगा, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा से हमारे बिजली पैदा करते हैं, स्रोत करते हैं। तो जर्मनी ने अपने देश से जो है कोयले और परमाणु ऊर्जा के प्लांट्स को धीरे धीरे फेज आउट करना है 2038 तक का, क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारा जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसका मुख्य कारण कोयला और परमाणु ऊर्जा भी है,
है ना, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा कल एग्जाम में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन आपका, क्या बात है। और मैंने ये अपने प्लस की क्लास में भी डिटेल में पढ़ाया है बच्चों को, जिन्होंने मेरी क्लास करी होगी यूपी पीसीएस के लिए, उसमें मैंने पढ़ाया भी था ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए आपके क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछे जा रहे हैं, कल जो सीडीएस का पेपर था आई थिंक ना उसमें। वेरी गुड, चलिए। द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अ नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक इंटरप्राइजेस लिमिटेड कंपनी, हैज जॉइंट हैंड विद विच कंपनी टू एनहांस द डिजिटल स्किल ऑफ द कंट्रीज यूथ। आपको बताना है देश के युवाओं के डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने एक गैर लाभकारी सार्वजनिक समिति कंपनी से किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है, ताकि वो जो हमारे स्किल्स है यानी कौशल है जो युवाओं का, उसको विकसित किया जा सके। माइक्रोसॉफ्ट, पेटीएम, जियो मनी या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक्स, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड अंजलि और कन्वर, इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने जो है हाथ मिलाया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल से। अच्छा, हमारा रुपे कार्ड एक आपने पढ़ा होगा, रुपे कार्ड जो हमारा एक तरह का डेबिट कार्ड है, वो हमारा कौन सा कंपनी उसको लॉन्च करती है, कोई बता सकता है रुपे कार्ड किसका प्रोजेक्ट है? रुपे कार्ड जो है हमारा, या भीम यूपीआई की बात करें, भीम यूपीआई ये किसका है, ये सब स्कीम किसकी है? इससे मुझे एक चीज याद आई, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनपीसीआई का नाम सुना होगा, ये सब उसी के पार्ट है। वेरी गुड रत्नेश, तो ये सब चीजें याद रखिएगा, ठीक है। कौन सी हमारी स्कीम्स है, किससे रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन आयोग द्वारा बहुत पूछे जाते हैं। अभी आज जैसे सुबह की क्लास में मैंने कराया था, हाल ही में हमारी नमामि गंगा प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया किसी को, कौन सा कार्टून करेक्टर को चुना गया है, आज ही मैंने स्पेशल क्लास में कराया था आप लोग को। नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है हमारा, उसका ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन से कार्टून करेक्टर को चुना गया है, आज सुबह की क्लास में मैंने करंट अफेयर्स की कराया था। तो जो बच्चे YouTube पे मेरा सेशन देख रहे हैं, आप लोग अनअकैडमी पे मेरा स्पेशल क्लासेस का टाइमिंग नोट कर लीजिए। इस वीक जो मेरी स्पेशल क्लासेस होंगी, सुबह 8 बजे और रात में 10 बजे होंगी। तो सुबह 8 बजे आप करंट अफेयर्स की क्लासेस अटेंड कर सकते हो स्पेशल क्लासेस को, ठीक है। और रात में 10 बजे इकोनॉमी की क्लास है, आज भी होगी रात में, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, स्पेशल पे क्लासेस हैं, ठीक है। और अनअकैडमी पे आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और जिन बच्चों ने प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, आप लोग प्लस के सब्सक्रिप्शन को एनरोल कर लीजिए, काफी अच्छे डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे हैं। अभी 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपका जो 8400 रुपए का है, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो वो आपको 7560 रुपए का पड़ेगा। वहीं 1 साल वाला सब्सक्रिप्शन जो 7000 का है, वो आपको 6300 रुपए का पड़ेगा। तो कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी अनअकैडमी प्लस पे हो रही है, जिसमें आपका प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, आंसर राइटिंग हो गया, चुनिंदा ऑप्शनल्स हो गए, साथ ही साथ आपके टेस्ट सीरीज हो गई, सब कुछ आपका कवर हो रहा है इसी एक ही सब्सक्रिप्शन कोड में, ठीक है। सब कुछ कवर हो रहा है, तो जिसको भी एनरोलमेंट लेना हो आज ही ले ले, काफी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, ठीक है। और कोड मेरा याद रखिए निर्मेश, जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो आप इस कोड का यूज करिए, 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चलिए, हाँ बिल्कुल सही, चाचा चौधरी इसका सही आंसर है, आज ही हम लोगों ने क्लास में करा था। जो बच्चे सुबह क्लास में नहीं थे, ये सब वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो सुबह वाला पड़ा होगा। नमामि गंगे का जो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया, चाचा चौधरी को चुना गया है, हमारे बहुत ही पुराने और फेमस कार्टून करेक्टर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच बैंक लॉन्च द भविष्य अ सेविंग अकाउंट स्कीम फॉर माइनर एज बिटवीन 10 to 18 ईयर्स। आपको बताना है इनमें से किस बैंक ने 10 से 18 वर्ष की आयु के लिए नाबालिगों के लिए भव्य या भविष्य नाम से बचत खाता को शुरुआत करी है, जियो मनी, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक या पेटीएम, बताइए इनमें से किसने जो है भविष्य या भव्य, गलत लिख दिया, भविष्य होगा ये, ठीक है। बताइए कौन सा है, अंजलि और कन्वर कह रहे हैं फिनो पेमेंट बैंक, और कोई बच्चा फिनो पेमेंट बैंक के साथ, दीपा भी फिनो पेमेंट बैंक कह रही हैं,
बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का, फिनो पेमेंट बैंक इज द करेक्ट आंसर। बच्चों के लिए जो 10 से 18 साल के आयु के बच्चे हैं उनके लिए फिनो पेमेंट बैंक ने भविष्य जो है सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन आपका, इंतजार आपका कैंपेन जो है सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया गया है ताकि टूरिस्ट को अपनी अपने शहर में या अपने राज्य में वापस अट्रैक्ट करने के लिए COVID-19 के बाद कौन से राज्य के टूरिज्म विभाग ने चलाया है, आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इनमें से कौन से राज्य ने इंतजार आपका कैंपेन को लॉन्च किया है। हाँ वेरी गुड कन्वर, और कोई बच्चा? अंजलि, हाँ वेरी गुड। हाँ तो मध्य प्रदेश सरकार ने इंतजार आपका कैंपेन को लॉन्च किया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आज ही सुबह हमने पढ़ा भी था लंदन में केरला टूरिज्म को एक अवार्ड भी मिला है ना, याद है? हाँ शिवी वेरी गुड, एमपी इज द करेक्ट आंसर। आज ही हमने पढ़ा था वर्ल्ड टूरिज्म का अवार्ड जो लंदन में हाल ही में हुआ था, उसमें केरला के टूरिज्म जो है हमारे विभाग को हमारा रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के लिए अवार्ड भी मिला है, तो वो भी याद रखिएगा कौन से स्टेट को कौन सा अवार्ड मिला है या कौन सी स्कीम चलाई उन्होंने, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस सेल्फ स्कैन ऐप टू डेवलप बाय द स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एज एन इनिशिएटिव टू कैम स्कैनर। आपने देखा होगा, हाँ रोको टोको भी कैंपेन है उनका, बिल्कुल अंजलि, ताकि जो पब्लिक प्लेसेस पे लोग जो सैनिटाइज वगैरह नहीं करते हैं, मास्क नहीं पहनते, तो उनको रोक के टोकने के लिए, बिल्कुल। चलिए, सेल्फ स्कैन ऐप जो है कौन से राज्य के हमारे राज्य सूचना विभाग ने बनाया है, जो कि हमारा कैम स्कैनर एक मोबाइल ऐप है जिससे हम लोग स्कैन फोटो खींच के स्कैनर के तरह इस्तेमाल करते हैं, महाराष्ट्र के सूचना विभाग ने या वेस्ट बंगाल के, कर्नाटका के या तेलंगाना के, बताइए कौन से राज्य के सूचना विभाग ने हमारा सेल्फ स्कैन ऐप को बनाया है। बी वेस्ट बंगाल, वेरी गुड अंजलि, शिवी, दीपा, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर है हमारा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की सरकार ने सेल्फ स्कैन ऐप को बनाया। आपने देखा होगा कैम स्कैनर हमारा चाइनीज ऐप है, तो अभी आपने देखा होगा हमारा 3-4 महीने पहले एंटी चाइना का हमारा कैंपेन चला था, भारत सरकार ने कई चाइनीज ऐप को बैन भी किया था, तो कैम स्कैनर भी उसी श्रृंखला का हिस्सा था, और इसके बाद उन्होंने कैम सेल्फ स्कैन नाम से ऐप बनाया है ताकि राज्य में जो भी सरकारी दस्तावेज वगैरह ऑनलाइन चीज़ें इस्तेमाल करते विभाग वो इसका यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को ऑनलाइन सेंड कर सकते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, ठीक है। चलिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी फॉर अ 3-ईयर टर्म। आपको बताना है इनमें से कौन को 3 सालों के लिए भारत का पहला चेयरमैन बनाया गया अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ना कोई एग्जाम में आने की प्रॉबिलिटी बहुत है इसकी। हाँ वो हटा दिया गया, कैम स्कैनर हटा दिया गया है अंजलि, बताइए भारत ने अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी का पहला चेयरमैन जिसको 3 साल का टेन्योर है किनको नियुक्त किया है। कन्वर कह रहे हैं इजनेश श्रीनिवास जी को, और कोई बच्चा आंसर दे रहा है इसका। देखिए YouTube पे ये आधे घंटे का सेशन होता है, इसमें आप लोगों के लिए हाईली प्रोडक्टिव हो जाता है, 15 से 16 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं आधे घंटे में, तो वो आप लोग के लिए डेली इफेक्टिव रहता है, तो डेली इस क्लास को आप लोग फॉलो करिए। इसके अलावा मेरा YouTube चैनल है जो अनअकैडमी का है, करंट अफेयर्स विद निर्मेश कुमार, उसको भी फॉलो कर लीजिए, उस पर भी रेगुलर हमारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह पे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। और अब आने वाले कमिंग वीक में मैं आप लोगों के लिए जो खास तौर पे हिंदी मीडियम के छात्र हैं जिनको इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत होती है, उस पे द हिंदू का और इंडियन एक्सप्रेस का डेली एनालिसिस लेकर के आने वाला हूँ, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस लेकर के आप लोग के लिए आने वाला हूँ डेली बेसिस पे, दिन में 12 बजे द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस का आपको एनालिसिस मिल जाएगा, जो कि हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बहुत दिक्कत होती थी, इंग्लिश अखबारों को या जो गांव में बच्चे होते थे उनको हिंदू अखबार मिलने में दिक्कत होती थी, तो उसको डेली आप बेसिस पे आपको सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को, सारे करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे आप लोग के लिए एनालिसिस लेकर के आऊंगा आधे घंटे का उस चैनल पे, करंट अफेयर विद निर्मेश कुमार, तो उसको आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, तो ताकि आप लोग के करंट अफेयर जो इंग्लिश के हैं उसमें आप लोग को दिक्कत ना आए।
ठीक है, उसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। हाँ, इसका सही आंसर है इसका। आपको बताना कौन से राज्य ने बीवर सम्मान योजना लॉन्च करी है? बिहार, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, पंजाब। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, हाफ एन आवर का सेशन रखते हैं इसको, ठीक है? और डेली 2 बजे रहेगा, इसके लिए आप लोग डेली ट्यून इन कर लिया कीजिए चैनल्स को, और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी इस क्लासेस का लिंक शेयर किया कीजिए। बताइए, वीवर सम्मान योजना जो है कौन से राज्य ने लॉन्च करी है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश रॉन्ग आंसर है कन्वर, उत्तर प्रदेश रॉन्ग आंसर है। कोई बच्चा बता सकता है क्या सही आंसर है इसका? इसका सही आंसर है हमारा कर्नाटका। लॉकडाउन के दौरान जो बुनकरों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए कर्नाटका की सरकार ने, येदुरप्पा सरकार ने, हमारा 2,000 रुपये की धनराशि जो है, हाँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की मदद से उनके खातों में ट्रांसफर करने के लिए वीवर सम्मान योजना लॉन्च करी थी। ठीक है, क्लियर है? तो कर्नाटका सरकार ने चलाया था इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस सेशन को फ्रेंड्स यहीं तक रखते हैं, हाफ एन आवर का सेशन रहता है, थोड़ा आप लोग के लिए डेली करंट अफेयर्स के ज्यादा डोज हो जाएगा, 1.5 घंटे का, ताकि मैक्सिमम कवरेज हो जाए इंपॉर्टेंट इवेंट्स का आपके लिए। ठीक है, तो इस सेशन को एंड करते हैं यहाँ पे, और रात में 10 बजे अनअकैडमी ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया और जो ऑलरेडी है, तो 10 बजे स्पेशल पे मिलेंगे इकोनॉमी की क्लास में, इकोनॉमी के MCQ की क्लास होगी रात में 10 बजे से। ठीक है फ्रेंड्स, किसी को कोई डाउट इन 15 क्वेश्चनों में जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है? किसी बच्चे को कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? ठीक है, चलिए फिर तो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, रात में 10 बजे मिलते हैं, टिल देन बाय बाय। और जिसको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो, आप लोग कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, या फिर मेरा डिस्काउंट कोड निर्मेश यूज कर सकते हैं, और या तो अनअकैडमी पे आप आकर के मुझे फॉलो करके वहां डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर, मैसेज करके अनअकैडमी ऐप पे। ठीक है, तो इसको एंड करते हैं यहीं पे सेशन, मिलते हैं फिर रात में, बाय बाय, टिल देन बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।